ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ, तुमसे ज्यादा तो मैं फेमस हूँ। पड़े पड़े अबे मेरे सब्सक्राइबर्स पे मत जाना, बोला ना कि सब्सक्राइबर्स पे मत जाना। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है किरण भाई, आज मैं एक नए वीडियो के साथ। गाइस, मुझे लग रहा है कि मैं पागल जैसा लग रहा हूँ। सो गाइस, आज मैं पुपुदी का नया वीडियो रिएक्शन करने वाला हूँ। मुझे लगता है ये कोई ब्लॉग नहीं है, ये कुछ फन टाइप का वीडियो है। उनके सारे वीडियोज ही फन टाइप के ही होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब ये कुछ अलग ही लग रहा है। तो गाइस, मैं आज ये वीडियो रिएक्शन करने वाला हूँ। मैंने पहले भी उनका कुछ बहुत सारे वीडियो रिएक्ट किया है, आप लोग जाके वो भी देख सकते हैं। और इससे पहले शायद मैंने शुगा का नया सॉन्ग आया है दैट वो सॉन्ग भी रिएक्ट किया है। प्लीज़ आप लोग वो भी देख आइए, बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है, बहुत ही मैंने वीडियो बहुत अच्छा हुआ है। सो गाइस, चलिए बिना बकबक के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन शुरू करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। नेक्स्ट कौन से गाने में या फिर वीडियो में रिएक्शन करूँ वो भी आप लोग बोलना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दैट 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 लाइक दैट स्टार्ट। So guys, I'm really really sorry कि मैं आपको इतने दिनों बाद में मेरा ये चिकना चमकीला थोपड़ा दिखा रही हूँ, लेकिन हुआ ये कि मैं काफी बिजी हो गई थी, लेकिन फाइनली आई एम बैक। एनीवे गाइस, जिस घड़ी का आप सबको इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है। बाय द वे, ये मिडिल फिंगर क्यों दिखा रहा है? एनीवे गाइस, जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली आ चुकी है, क्योंकि आज मैं पढ़ने वाली हूँ कुछ अजीब गरीब डीएम्स जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, और कुछ अजीब गरीब यूट्यूब कमेंट्स जो कि मुझे ऑफ कोर्स यूट्यूब पर मिलते हैं। ये वाला जो वीडियो है ना, ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, पता नहीं आपको कौन सा मजा आता है जब लोग मेरी बेइज्जती करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ये बेइज्जती हंस हंस के सहने के लिए तैयार हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो किसी ने लिखा है WTF, ये WTF क्या होता है? वही तो, वेयर इज द फूड। सो ये भाई साहब पूछ रहे कि मैं खाना कहाँ पर रखती हूँ। My food is in the fridge. Actually, मेरा फ्रिज काफी खाली है क्योंकि हम गरीब लोग हैं। मुझे नहीं लिखा है यू गे। हाँ जी, मुझे लड़के पसंद है। एक आंटी जी ने लिखा है तुम्हें शर्म नहीं आती बाहर अकेले अकेले घूमते हुए? आंटी जी, मैं कौन सा कपड़े उतार के बाहर घूमती हूँ? मतलब कि लिखने से पहले 10 बार सोचा कर लिया करो, ऐसी सोच तो मेरी नानी की भी नहीं है। नेक्स्ट, एक लड़की ने लिखा है तुमसे ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ, तुमसे ज्यादा तो मैं फेमस हूँ। Oh my God, ये थोड़ा सा एक बार और सुनना है मुझे। यहाँ से नानी की भी नहीं है। नेक्स्ट, एक लड़की ने लिखा है तुमसे ज्यादा तो मैं सुंदर हूँ, तुमसे ज्यादा तो मैं फेमस हूँ। किसी ने लिखा है You shit up. एक और इंसान ने लिखा है BSDK, बहुत साफ दिल के। अरे ये थोड़ी कोई हेट कमेंट है, ये तो मेरी तारीफ हुई। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच। रमेश ने मेरे वीडियो पे कमेंट करा है यू वेरी स्टूपिड आर नॉट एट ऑल स्मार्टिश, सो प्लीज शिट अप, आई नो लाइक ऑफ योर वीडियो, यू नॉट माय फेवरेट यूट्यूबर। अरे कहना क्या चाहते हो रमेश बेटा, ये सस्ते नशे करना छोड़ दे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एक और अजीब गरीब इंसान ने लिखा है हाउ कैन यू ईट पोर्क मीट मुंह से। किसी ने मेरे बेचारे मामू के बारे में लिखा है, मेरी इकलौती संतान, मेरी जायदाद का इकलौता वारिस के बारे में किसी ने ये लिखा है कुत्ते पे नहीं जाना, इतना बदसूरत कुत्ता क्यों खरीदा है? कुत्ते पे नहीं जाना, बोला ना कि कुत्ते पे नहीं जाना। कंट्रोल पूनम, कंट्रोल। और अभी गाइस, हम एक वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं जो कि है एक रोस्ट वीडियो जो कि किसी रिएक्शन ओवी रिएक्ट करने वाले हैं। ओ माय गॉड, फेमस हो गए कि लोग मेरे बारे में वीडियो बनाते हैं। गुड जॉब पूनम, सच में इतनी खुशी जब मैं पैदा हुई थी तब भी मुझे नहीं हुई। सच बात बोलूं तो ये सब आपकी कृपा है, आपकी वजह से मैं इतनी फेमस हो गई। कौन है ये लोग? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग माय पंखा, एसी, कूलर, हीटर, जो भी कुछ है, थैंक यू सो मच। अब ये फालतू की बकवास थोड़ी कम करते हैं, वीडियो के बगैर सभी है। सो इस वीडियो का नाम है Who in Korea roast over acting की आंटी। यार ये आंटी बोलना जरूरी था क्या? Hey guys, what's up? आज की इस वीडियो में आज हम लोग एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में बात करने वाले। अरे ये तो एक बच्चा निकला, मतलब कि बच्चा ने छोटे से रोस्ट करेगा कैसे? मुझे रोस्ट करा है। अब मुझे समझ में आया कि टाइटल में आंटी क्यों लिखा है, क्योंकि यू नो बच्चा है तो मुझे आंटी बोलेगा ना, मतलब कि इज्जत दे रहा है बच्चा मुझे, जिसे देखकर भी आप बोलने लगोगे। अरे
कितना मस्त लग रहा था। चलते हैं वीडियो की ओर बिना किसी टाइम फोरे। इनसे मिले, इनका नाम है पू इन कोरिया, रियल नाम है पूनम दीदी। नहीं, मेरा रियल नाम पूनम दीदी नहीं है, पूनम नरूका है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, थैंक यू। पूनम नरूका, वाह कितने खूबसूरत नाम है। पहले को तो ये दीदी है, लेकिन इनकी हरकतें 3 साल के बच्चों जैसी है। व्हाट बेटा, 3 साल का तो तू भी नहीं होगा बेटा। दूध के दांत उगे नहीं और रोस्ट कर रहे हो, ये मैं नहीं बोल रही, खुशी ने कमेंट में लिखा है, अश्मित ने कमेंट में लिखा है, बच्चे पहले अंडे से बाहर निकल जा फिर रोस्ट करियो। क्या लकी ब्रो, रोस्ट करने के लिए और खुद ही कमेंट में रोस्ट हो गए। पूनम दीदी जयपुर इंडिया से बिलोंग करती है, कोरिया में चली गई। एक्चुअली जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां पर मैं पैदा हुई थी, और जब मैं 6.5-7 साल की थी तब मैं मेरे पापा की जॉब की वजह से मैं इटली में शिफ्ट हो गई। और जब मैंने इटली में यूनिवर्सिटी कंप्लीट करी तो मुझे कोरिया में जॉब करने का ऑफर मिला, तो उसकी वजह से मैं कोरिया में आ गई जॉब करने के लिए। एंड उधर ब्लॉग्स बनाती है, मुझे यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। भाई साहब ओवर एक्टिंग, भाई उनके ओवर एक्टिंग देख कर कसम से यार, एक हद तक लगता है कि कोरिया में ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। व्हाट बेटा, आपने मुझे ओवर एक्टिंग की एंटी बोला, क्या बोल रहा है ये बच्चा? 3 साल की बच्ची बोला, मैंने सह लिया क्योंकि वैसे भी मेरी हर दिन बेइज्जती होती है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने ऐसा क्यों बोला कि अरे कोरिया में भी ऐसे लोग रहते हैं? तुम मेरी रोस्टिंग कर रहे हो या कोरियन लोगों की रोस्टिंग कर रहे हो, पहले ये डिसाइड कर लो। आस पास के लोग जितने भी जाएंगे उनको निब्बा नब्बी लकड़ा लकड़ी वैन वे की जो बहन बहन की जो मर्जी बोलकर जो है बॉडी शेमिंग करती है, मोटा मोटी बॉडी शेमिंग। मैंने कब किसी की बॉडी शेमिंग करी, मतलब कि ओह माय गॉड। बेटा तुम मेरे वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते, मतलब कि सोच समझ कर बोला करो। मुझे लगता है वो नहीं देखता, पागल हो गया वो। जरूर बोला, लेकिन मैंने कभी भी किसी को मोटा मोटी नहीं बोला। रिसर्च तो ढंग से कर लिया करो। एंड इसके चैनल में फ्लेक्सिंग, ओ हो हो, मतलब सीवीसी ऑरेंज फूड चैलेंज, आई स्पेंड 6,500 रुपीज। ओहो, कितने पैसे हैं मैडम जी के पास? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम ये पैसे देख भी नहीं सकते। हाँ बेटा नहीं है पैसे तेरे पास, 3 साल के बच्चे के पास कितने पैसे होंगे बता रहे? लॉलीपॉप खरीदने के लिए भी पैसे मम्मी पापा से मांगने पड़ते हैं। और ये क्या सिस्टम है, सारे खाने सारे जितने भी सामान है उन सबका नीचे जो है प्राइस दिखा देती है। भाई हमें कोई थोड़ी ना कोई दिलचस्पी है कि हमें ये देखना है। मैं प्राइस इसलिए ताकि मैं आपको एक प्रैक्टिकल जानकारी दे सकूं कोरिया के बारे में। हाँ, कोरिया इतना महंगा है, कोरिया इतना सस्ता है। मैं कोई शॉप करने के लिए नहीं लिखती, मैं खुद एक गरीब हूँ। मुझे पता है, और ये वीडियो हिंदी में बनाती है, पहले इंग्लिश पे लेकिन आज हिंदी में। लेकिन हिंदी छोड़ो, इंग्लिश भी इसी ठीक से प्रोनाउंसिएशन क्या क्या नहीं आती मुझे। क्या बोला आपने, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आती बेटा। खुद पहले प्रोनाउंसिएशन बोलना सीख लो, फिर बाद में मुझे रोस्ट कर लियो। मैं टोटली संतरे जैसी लग रही हूँ। अबे छी छी छी, कोई प्राइवेसी नाम की चीज है कि नहीं, इसीलिए तो सारे ठरकी लोग इसके चैनल में भरे पड़े हैं। अबे मेरे सब्सक्राइबर्स पे मत जाना, बोला ना कि सब्सक्राइबर्स पे मत जाना। कंट्रोल पूनम कंट्रोल। लकी ब्रो मेरे बारे में कुछ भी बोलो चलेगा, लेकिन मेरे सब्सक्राइबर बारे में, मेरे भक्त, पंखे एसी कूलर के बारे में इतना मत बोलना। मैंने वीडियो में इतना सा स्किन क्या दिखा दिया कि प्राइवेसी की बात करने लग गए, और खुद स्टार्टिंग में वो नंगी बिल्ली के साथ खेल रहे हैं। उसमें कोई प्राइवेसी नहीं है, उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। बात है सम्मान जैसे मुश्किल शब्द आते हैं मुझे, इतनी शुद्ध हिंदी है मेरी। हाँ इसका मतलब अगर आपने भारत देश में ठीक से प्रोनाउंस कर दिया तो आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। गुड जॉब पूनम, गुड जॉब। क्या बोल रहा है ये बच्चा? हाँ वही तो मैं बोलना चाहती हूँ, आपको क्या तकलीफ है भाई? अगर आप मेरे एक न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो शायद आपको मेरी स्टोरी के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो भी मेरी पूरी एजुकेशन है ना वो मैंने इटली में कंप्लीट करी है, और जो भी मैंने हिंदी सीखी है वो मेरी मम्मी से सीखी है या फिर बॉलीवुड मूवीज टीवी सीरियल से सीखी है। तो जब भी मैं कोई मुश्किल हिंदी शब्द बोल पाती हूँ ना, तो मुझे मेरे ऊपर बहुत ही गर्व होता है कि मुझे ऐसे भी शब्द आते हैं जो कि मैंने कभी भी पहली बार इस्तेमाल नहीं करे। इस बच्चे को मेरे बारे में इतना ज्यादा पता ही नहीं होगा, तो उसकी वजह से उसने ये बोला है, तो बच्चा हाँ, समझ हाँ। करके माफ कर देता है। एक बार एक कमेंटर ने, मतलब इनके एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि आप जो है शॉप में जाकर जो है लड़कियों की मतलब वुमेन्स की जो है चड्डी या फिर उनके प्राइवेट चीज के जो सामान होती है उनको शो कर रही है, जो कि सही बात नहीं है। टीवी में कितने सारे एड्स आते हैं लड़कों की चड्डी के बारे में, बनियान के बारे में, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलता। हाँ, लेकिन अगर मैंने कोई चड्डी दिखाती जो कि शॉपिंग मॉल में है, डिस्प्ले करी हुई है, मैंने उसको रिकॉर्डिंग कर दिया, व्लॉगिंग कर दी, तो उसमें वाह वाह प्राइवेसी, इसमें प्राइवेसी की बात क्या आ गई? वो थोड़ी कोई ड्रग्स है कि उसको दिखाना कोई गलत बात है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना है, ज्यादा कुछ बोलने का है नहीं। अरे मुझे इतना कुछ तो बोल दिया। वीडियो बहुत कम देखता हूँ, मेरी बहन ज्यादा देखती है और उसको ज्यादा पता है, नॉलेज है। वो तो मुझे पहले पता चल गया था कि आप मेरे वीडियो नहीं देखते, ऐसे बकवास करके आ रहे हो वीडियो में। नो हेट टू एनीवन, ये वर्ड्स ओनली फॉर एंटरटेनमेंट है। नो हेट टू पूनम दीदी, बाय। नो हेट,
मतलब कि वीडियो में आपने मुझे बेशरम बोल दिया, बॉडी शेमिंग करने वाली बोल दिया, गवार बोल दिया कि मुझे इंग्लिश भी नहीं आती, और एंड में आपने बोल दिया नो हेट टू एनीवन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं, बच्चा है बच्चा है। एनीवे गाइस, ये था मेरा रिएक्शन इस रोस्टिंग वीडियो के ऊपर, और मैं नहीं चाहती कि आप इस बच्चे के चैनल के ऊपर जाए और उसको कुछ गलत लिखिए, कुछ गलत बोलिए, क्योंकि एक बच्चा है तो बच्चा समझ कर हम उसको माफ कर देते हैं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और मेरे बैंक का कार्ड एक्सपायर हो गया, तो इसमें नया वाला कार्ड आया है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, प्लीज मुझे कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ऐसे वीडियो और भी देखना चाहते हो, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई लव यू, बाय। व्हाई, ओ माय गॉड, मतलब पुपुदी का हर एक वीडियो जब खत्म होता है बहुत ही, मतलब बहुत ही बुरा लगता है कि वीडियो खत्म हो गया और थोड़ा सा होता। सो जो बच्चा था वो किस तरह से रोस्ट कर रहा था पुपुदी को, मुझे मुझे सच में बहुत ही अजीब लगा, एक बच्चा ऐसे कैसा कर सकता है पुपुदी के साथ। मतलब ओके छोड़िए, मुझे वीडियो अच्छा लगा, आप लोग कमेंट करें आप लोगों को कैसा लगा, नेक्स्ट कौन से वीडियो में रिएक्शन करो वो भी आप लोग बोलना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। That like that, that like that baby, oh my god.